गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं, सुबह का टाइम तो नहीं कर, आफ्टरनून का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। और प्रॉब्लम ये हुई कि मैं पहले गाड़ी से जा रहे थे लेकिन गाड़ी किसी वजह से स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने मैकेनिक को बुलाया, मैंने कहा भाई तू इसे ठीक कर, मीनवाइल मैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि स्कूटी जो थी मेरी बैटरी वाली, उसमें बैटरी मैंने चार्जिंग पर लगाई, मैंने कहा चलो इसको बैटरी चार्ज करता हूँ गाड़ी से ले आऊँगा, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं है। तो मैंने, मेरा सामने ही हमारे रहता है मेरा भाई है रिची, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई अपनी स्कूटी दे, तो उसको स्कूटी लेके आ रखा हूँ। और मैकेनिक को बोला है कि भाई तो ठीक कर दे, तक मैं मूवी देख के आता हूँ। और मैंने कहा जब कसम खा ली है, बीवी को बोल दिया है कि भाई तेरे को मूवी दिखाऊंगा तो मैं दिखाई देता हूँ, तो मैंने कहा अपना वादा पूरा करता हूँ, तो फटाफट चलते हैं वहाँ पे, फिर मिलते हैं बाद में। मूवी 1 बजे स्टार्ट होने वाली थी और अभी टाइम हो रहा है 2:05, तो हम लेट हैं। अरे भाई एक चालीस का शो था, 1:18 हो गए। भाई मूवी रिव्यू बताता हूँ, मूवी रिव्यू थोड़ी देर बताऊँगा, उससे पहले कुछ काम कर लूँ फिर बताता हूँ आपको, रुक जाओ। यहाँ पे कहाँ है चक्की भाई? ऐसी हम ना, मैं एटीएम पे रुका हुआ था, एटीएम पे रुका तो एक लड़का आया, कह रहा भैया आटा दिला दो। मैंने कहा ले ले भाई आटा। इसकी एक अच्छी बात ये लगी कि उसने पैसा नहीं मांगा, आटा मांगा, तो मैंने कहा आटा तो मैं दिला दूंगा। तो एक दुकान पे गए, वहाँ पे आटा नहीं था, फिर दूसरी दुकान पे गए, वहाँ पे भी आटा नहीं था। तो मैंने कहा भाई पैसे तो मैं दूंगा नहीं इसको। फिर वो कहता कि भैया यहाँ पे ना चक्की भी है, तो मैंने कहा चलो चक्की पे चलते हैं। चक्की वाले पे गए, चक्की वाले पे जाके हम, वहाँ आटा मिल गया, वहाँ मैंने दे दिया। एक्चुअली यार स्कैम भी होता है ना, तो और कोई बेचारा कोई सच में नीडी भी होगा ना, तो भी हमें मतलब ट्रस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी चीज़ें चल रही है ना आजकल लाइफ में और जगह जगह चल रही है, तो इसलिए ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द मूवी रिव्यू। नहीं नहीं, मूवी रिव्यू इतना बढ़िया था यार, क्या बताऊँ मैं, मतलब 3 घंटे की मूवी थी। जनरली मुझे 3 घंटे की मूवी बोरिंग लगती है, मैंने आरआर भी देखी थी 3 घंटे की, वो भी मुझे बोरिंग लगी थी। एंड में आके थोड़ा सा बोरिंग हो गई थी बीच बीच, मतलब बीच में एंड तो अच्छा था, बीच में थोड़ी बोरिंग हो गई थी। लेकिन और दूसरी बाहुबली मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी, तो एक बाहुबली दूसरी ये कहीं पे भी बोरिंग नहीं थी। और लास्ट में मुझे अपने टॉपिक की भी याद आ गई, जैसे लास्ट में मैं उसको उठा के ले गया था अपने कंधे में और डॉक्टर के पास ले गया था। हाँ, मेरे टॉपिक को भी कैंसर था और इसको भी, टॉप को भी कैंसर था, तो उसको देख के मुझे टॉपिक की याद आ गई। मेरा बहुत मन है एक डॉग लेके आऊँ, लैब्रेडोर लेके आऊँ, टॉपिक जैसे ही लेके आऊँ, बट मेरी मम्मी जो है ना वो मानेगी नहीं, पीछे से मेरे पीछे बैठी हुई है, ये भी नहीं मानेगी। तो बट लेकिन यार मेरा बड़ा, सच बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल बहुत मन है कि मैं टॉपी जैसा हूँ एक लेके आऊँ कोई, बट लेकिन लाऊंगा नहीं यार, बहुत दुख होता है, मेन भाई इसीलिए मना करता हूँ, बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब क्या बताऊँ। मेरे साथ तो टॉपी इतना अटैच था ना, मैं मेरे को सुबह वही उठाता था, जब से वो गया है ना मेरी रूटीन सही में खराब हो गया है। वो मुझे 6 बजे उठा देता था, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी 6 बजे उठा देता था मैक्सिमम। अब जो है ना मैं कम से कम 7 बजे 7:30 जैसे अलार्म बजा नींद खुली तभी होती है। और मैं नहाता था वो बाहर बाथरूम के बाहर बैठता था, मैं खाता था वो मेरे साथ बैठता था, मैं जब सोने जाता था तब मेरे साथ जाता था, तो मेरे से बहुत अटैचमेंट थी उसकी और मेरी भी थी, वो सारी चीज़ याद आ गई। तो अभी फिलहाल घर जा रहे हैं, घर जाके गाड़ी का भी जुगाड़ करना है, मतलब इधर से हुई है यार, इधर से ही है क्या, क्या हो गया मुझे? तो अभी घर जाके गाड़ी का भी देखना है। फोन आया था कि भाई मैकेनिक आ गया, मैंने कहा भाई मैं तो निकल लिया गाड़ी स्कूटी लेके, तो मैकेनिक आ गया, वहाँ पे पहुँच रहा हूँ 10-15 मिनट पहुँच जाऊँ, देखते हैं गाड़ी में। भाई हम लोग रास्ते में लीची ले रहे हैं काशू के लिए, क्योंकि काशू खा लेती है इसको, और जामुन कहीं दिख नहीं रहे पीछे थे, उसमें मैंने रोकी नहीं, अभी आगे देख लो, आगे होंगे तो ले लेंगे। अरे क्यों शोर कर रहे हो भाई, आगे दिख तो रहा नहीं है कहीं से। अरे यार अब भी हो गए लोगों को यार, कितना हॉर्न बजाते लोग। तो भाई देखते हैं, D&D पानी पूरी खाओगे? खाओगे गाइस, तुम खाओगे, तुम्हारे लिए ले लूँ भाई। जैसे ही बाहर निकलूँ कहाँ जा रहे हो, पानी शक्ल देखो उसकी, जैसे ही बाहर निकलो कहाँ जा रहे हो पापा, मैं भी चल लो आप, मैं यहीं पे हूँ बेटा, कि जा थोड़ी रहूँ, आप यहीं रुक जाओ, यहीं पे रुको बस, गेट ये भगवान आ जा यहाँ पे ना, माऊ को देखने जा रहा हूँ ना, माऊ आई है, वहाँ देखने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो बिल्ली है ना, ये जो खाना खा रही है, ये बिल्ली ना किसी की है, तो वहाँ से बिछोड़ के आ गई। एक्चुअली ये 4 भाई बहन थे, तो 2 इसकी माँ पता नहीं उठा के ले आई कहीं पे, कोई भी जो भी स्टोरी है, मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि भाई ये ना किसी की बिल्ली है और वो इनको ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और तो मैंने अभी
मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब घर पे आएगी तब मैं बुला लूंगा। तो अभी घर पे आई भी, मैंने उनको फोन किया है तो टोकरी लेके आ रही है क्योंकि अदरवाइज तो ये भग लेती है, तो अभी खाना भी खा रही है बट लेकिन मैं चेक करूंगा कि भाई उन्हीं की है या नहीं है 100% तभी जाने दूंगा, वरना बेचारे किसी यार बहुत गलत काम करते हैं लोग यार जानवर के साथ ना, मतलब क्या बोले। तो बट लेकिन जिनका जिनका फ़ोन मेरे पास आया वो जेन्युइन सोर्स है, मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो एनिमल्स के लिए काफ़ी काम भी करते हैं। और तो उन्होंने मुझे बोला है कि भैया आप अपने पास रख लेना, मैंने कहा चलो रखा भी फ़ोन करा, देखते आते तो आ जाएंगे तो मैं दे दूंगा उसको, चली जाइए यार अपनी माँ के पास, अपने परिवार के पास, अपने बाकी भाई बहनों के पास तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज ये क्या करती है, पार्क यहीं आसपास ही घूमती रहती है, कुत्तों से बच बच के भागती रहती है, बस इसका यही काम है, कुत्ते इसके पीछे पड़ते रहते हैं और ये भागती रहती है बेचारी। खा ले मेरा बेटा खा ले, देखो कितनी प्यारी है, इधर खाओ ये खाओ, जा कर रहे हो जाना नहीं है अभी कहीं, आज खा ले यहाँ पे आ, इसको खा ढंग से खाओ, ले इसको खा ले, निन्नी करेगी आराम से, पानी पिएगी पानी। भाई आज मैंने वो जो मूवी देखी है ना, मेरा सच में बड़ा मन है कि मैं एक लैब्राडोर लेके आऊँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, और जो पेन होता है ना वो पेन मुझे नहीं चाहिए दोबारा से, तो इसलिए बट अदरवाइज मेरा बहुत मन है सच में आज, नहीं बाहर नहीं जाना, डॉग्स हैं, डॉग्स है बाहर, चल अंदर। सो तुम्हारा भाई फिलहाल आ गया नीचे सोने, क्योंकि कल है मेरा सुबह सुबह मैच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अगर व्लॉग अगर व्लॉग पसंद आया इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.